हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइस। यहां पर आप लोगों के लिए जितने भी इंजीनियर ग्रेजुएट हैं या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड जो भी टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपसे अभी बात करने वाले हैं। और हम स्पेशली बात करने वाले हैं वाईजेग स्टील के इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में, यानी RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का वाईजेग स्टील प्लांट के इस रिक्रूटमेंट के बारे में। क्या है, किस तरीके की रिक्रूटमेंट है, क्या यहाँ पे मिलेगा, क्या रहेगा सैलरी, कौन कर सकता है अप्लाई, क्या है शैक्षणिक योग्यता, इन सभी चीज़ों पे बात की जाएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइज, चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से देखते हैं कि किस तरीके का है पोस्ट। गाइज ध्यान दीजिएगा, RINL का इंगेजमेंट ऑफ ट्रेड अप्रेंटिस का यहाँ पर रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखा गया है 319। कौन कौन अप्लीकेबल है, फीटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, मैकेनिक मशीन टूल, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, मैकेनिक डीजल, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यानी कोपा। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट रखे गए हैं 319। स्टाइपेंड की बात करूं तो अलग अलग ट्रेड में अलग अलग यहां पर आपका स्टाइपेंड रखा गया है। लाइक फीटर के लिए स्टाइपेंड है यहां पे 8,050 रुपए। उसके बाद आप देखेंगे तो टर्नर के लिए 8,050 रुपए, मशीनिस्ट के लिए 8,050 रुपए, वेल्डर के लिए 7,700, मशीनिक अगर हम मशीन टूल मेंटेनेंस में देखें तो 8,050 रुपए, इलेक्ट्रिशियन के लिए 8,050 रुपए, कारपेंटर के लिए 7,700, मशीनिंग रेफ्रिजरेशन 8,050 रुपए, मैकेनिक डीजल के लिए 7,700, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग के असिस्टेंट के लिए 7,700। तो गाइस ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग आपका स्टाइपेंड मेंशन किया गया है। चलिए ये तो बात हो गई अब स्टाइपेंड के बारे में, पोस्ट के बारे में। अब आते हैं हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। तो एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा, एज क्राइटेरिया 18 से लेकर 25 तक रखा गया है और इसमें छूट दी जाएगी ओबीसी SC ST कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट है आपका क्वालिफिकेशन, तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ITI पास्ड कैंडिडेट कैन अप्लाई, यानी कि कंसर्न ट्रेड में किसी के पास ITI है तो वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा मोस्टली जो ये रिक्रूटमेंट है ये है ITI अप्रेंटिसशिप के लिए। क्लियर रहेगा। चलिए अब कंसेशन रिलैक्सेशन के बारे में बात की जा रही है, तो कंसेशन और रिलैक्सेशन के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि SC ST के कैंडिडेट और OBC के कैंडिडेट को नेशनल रूल्स के अकॉर्डिंग जो हमारा चलता है रिलैक्सेशन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा 3 ईयर्स फॉर OBC एंड 5 ईयर्स फॉर SC ST। क्लियर रहेगा। 10 ईयर्स दिए जाएंगे PWBD को और 13 ईयर्स दिए जाएंगे नॉन क्रीमी लेयर के PWBDS कैंडिडेट्स को। क्लियर रहेगा। अब बात आती है कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कितने दिनों की होगी, तो ध्यान रखिएगा 1 ईयर का यहाँ पे 1 ईयर का ट्रेनिंग होगा। स्टाइपेंड जो है ऑलरेडी आपको मेंशन कर दिया गया है, स्टाइपेंड किस आधार पर मिलेगा। प्रोसेसिंग फी के बारे में अगर मैं बात करूं गाइस तो 200 रुपया प्लस GST, ध्यान रखिएगा 200 रुपया प्लस GST लगेगा कैंडिडेट अनरिजर्व OBC और EWS के लिए, और 100 प्लस GST लगेगा आपका SC ST और PWD कैंडिडेट्स के लिए। क्लियर रहेगा। फी कैसे पे करना है, तो RINL के अकाउंट पे आपको जाकर के फी पे करना रहेगा, और फी जो है डायरेक्टली आपका पेमेंट गेटवे से, चाहे आप डेबिट कार्ड से करें, क्रेडिट कार्ड से करें या नेट बैंकिंग से करें। सिलेक्शन कैसे होगा, तो ध्यान रखिएगा सिलेक्शन जो होगा वो CBT के बेस्ड होगा, रिटन टेस्ट के आधार पर होगा। 120 मिनट का एक टेस्ट लिया जाएगा जिसमें आपके एप्टीट्यूड होंगे, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होंगे, इसके अलावा आपका टेक्निकल जो आपका ट्रेड है उसके क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटे का समय दिया जाएगा। क्लियर है। चलिए टेस्ट के बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल टेस्ट जो है यहाँ पे अगर आप देखिएगा टेक्निकल टेस्ट में जब आएंगे आप तो यहाँ पे टेक्निकल टेस्ट में मार्क्स जो रहेगा 150 मार्क्स के 150 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे टाइम अलॉट किया जाएगा, और निगेटिव मार्किंग यहाँ पे मेंशन किया गया है कि गाइज आपका निगेटिव मार्किंग भी रहेगा, यानी आप निगेटिव मार्किंग को ध्यान रखते हुए आप चलेंगे। किस तरीके का रहेगा, तो यहाँ पे आप सिलेबस देख सकते हो, एप्टीट्यूड के 75 क्वेश्चन होंगे जो कि जनरल नॉलेज और वर्किंग इंग्लिश, इन जनरल एप्टीट्यूड, अरिथमेटिक, रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब रहेंगे। टेक्निकल में अगर हम बात करें तो 75 क्वेश्चन रहेगा जो आपकी ट्रेड से रिलेटेड है, गवर्नमेंट का जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है उसके आधार पर, सिलेबस के आधार पर, ITI के सिलेबस के आधार पर। क्लियर रहेगा। इसके बाद आता है कि रिक्वायरमेंट ऑफ अप्रेंटिसशिप एट RINL कैसे अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले apprenticeshipindia.org पे आप यहाँ पे रजिस्टर करेंगे खुद को, उसके बाद वहाँ से रजिस्ट्रेशन ID जनरेट होगा, देन आफ्टर आप RINL के साइट पर जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। कब से कब तक करना है, तो ध्यान रखिएगा नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है, अप्लीकेशन जो है ऑनलाइन अप्लीकेशन 2 अगस्त से इसका शुरू हो गया है गाइज, और लास्ट डेट रखा गया है 18th ऑफ
अगस्त का, यानी 2 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सीबीटी का टेंटेटिव डेट 4 सितंबर रखा गया है, ध्यान रखिएगा 4 सितंबर का सीबीटी का टेंटेटिव डेट रखा गया है, क्लियर रहेगा, मेंशन करिएगा यहां पे। डेट ऑफ ओपनिंग ऑनलाइन, ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन 2 अगस्त से शुरू है, लास्ट डेट रखा गया है 18 अगस्त को, और सीबीटी आपका लिया जाएगा 4 सितंबर को, जो कि डेट टेंटेटिव है, हो सकता है चेंज होगा तो आपको मेल के थ्रू या फिर अदर मीडियम से बता दिया जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग एक नेक्स्ट नए अपडेट में, बने रहिए हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।